हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आगे एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। बस बट इसी बीच में मैंने एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आंसर की का होगा, तो यस सेक्शन ए के आंसर की के साथ में ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है आप लोग के लिए। देन चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सो रीडिंग स्किल्स में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 आंसर है डी, जो इन्होंने मार्क किया। ये मेरे पास में किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, तो जो इन्होंने मार्क किया हुआ है वही करेक्ट आंसर है, टू हाइक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा ये, लेट मी जूम इट। या नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज डी, जो इसने मार्क किया हुआ है बच्चे ने, बिकॉज ऑफ डिप्रेसिंग डेली रूटीन फॉर इज फॉरगॉटन। ओके, नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। द वेरियस साउंड्स ऑफ नेचर एक्वायर, क्या होगा यहाँ पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ आंसर विल बी अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। ठीक है, जो नेचर है वो न्यू मीनिंग और सिग्निफिकेंस हमारे लिए करता है। सो द आंसर विल बी द न्यू अ न्यू मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू अस। अगर इससे रिलेटेड आपका आंसर है तो वो करेक्ट करेंगे, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज अ कॉन्टैक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर, तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू द साइट ऑफ वाटरफॉल्स फ्लावर्स स्ट्रीम्स ट्रीज एंड बुशेज अलॉन्ग विद द वेरियस साउंड्स ऑफ नेचर अ कॉन्टैक्ट इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अस एंड नेचर। सो अगर इससे मिलता जुलता आपका आंसर है देन दे विल गिव यू फुल मार्क्स, 1 मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फ्रेग्रेंस के साथ में मैच होगा फ्लावर, FLOWER फ्लावर। नंबर 6 इज आंसर इज बी, बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट ऑफ क्लाइंबिंग अप एंड द एंड एडवेंचर ऑफ कमिंग डाउन। नाउ नेक्स्ट है 7, 7 नंबर आंसर इज डी, 6 आई थिंक मैंने बता दिया, 7 नंबर है आंसर डी, जो इन्होंने गलत किया हुआ यहाँ पर, तो ये आपका आंसर डी होगा यहाँ पर, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, लेट मी मार्क इट, ये होगा आपका आंसर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, लिस्ट ऑफ एनी टू एग्जाम्पल्स एंड सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई, ये आपके उसमें गिवन है, पैराग्राफ में गिवन है, तो इसके आंसर्स नहीं आए हैं, मुझे जितने आंसर्स मिले हैं आई एम सेंडिंग यू दैट ओनली। ठीक है, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वेट। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ के 8th, 9th, 10th के आंसर्स नहीं आए हैं अभी तक, जितने आए हैं वो IMCQs वाले हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है आंसर, इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन, तो आंसर होगा बिकॉज अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट कम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। ठीक है, क्लियर है, इससे रिलेटेड आपका आंसर है, आसपास आंसर आता है तो दे विल गिव यू 1 मार्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर विल बी सी, ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट लिखा हुआ है, सो आंसर विल बी दैट सी। ठीक है, लेट मी पुट अ मार्क ऑन दिस, आंसर विल बी दिस, ग्लेशियर्स मेल्ट, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेयर्स के साथ में ग्लेशियर्स होगा। ठीक है, नंबर 4 आंसर ए है इसका, ऑन स्लोपिंग ही, ऑन स्लोपिंग हिल्स फेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, राइट। नंबर 5 का आंसर है जुलाई, सी वाला आंसर है जुलाई। ठीक है, सो नाउ ये जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे दे आर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, सो दे आर नॉट फॉर यू। सो सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट आंसर होगा आपका, लेट मी टेक माई पेन, कंपेरेबल टू, आंसर इज ए, कंपेरेबल टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, दैट द इंजन हैड ब्रोकन डाउन, आंसर आप मैं नोट कर लीजिए, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर बी है, शुड वाला आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर ए है,
मोर एंड मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है वॉज सी। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर है दैट ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। आई होप आपने लिख लिया होगा दैट ही हैड ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स। नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आंसर है वॉज। एरर होगा वॉज, करेक्शन होगा इज। आप ये मेंशन कर लीजिएगा एरर है वॉज डब्ल्यू एस एंड करेक्शन है इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आंसर होगा आई विल गो टू त्रिपुरा टुमारो, द सेम लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आंसर विल बी द, द है। 11 का बी है, 11 का बी हो जाएगा एंड 12 का आंसर भी करेक्शन वाला है तो ये भी हो जाएगा वॉज की जगह पर इज, मतलब करेक्शन है आपका, एरर है, एरर है वॉज और करेक्शन हो जाएगा आपका इज। सो आई होप आपने क्लियर कर लिए हैं सारे आंसर्स। नाउ प्लीज लाइक शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। सो इट इज वॉज, ठीक है। सो बहुत जल्दी मैं जो बाकी के सेक्शन सी के एमसीक्यूज़ हैं उनका भी वीडियोस में डालूंगी आपको। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन।